नमस्कार, मैं रंजन कुमार, यूट्यूब क्लासेज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो को लेकर आने का मकसद ये है कि बीपीएससी के द्वारा जो है TRE3 के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि जितनी भी रिक्तियां हैं उसका डिटेल 2 दिनों के भीतर मांगा गया है। शिक्षा विभाग के निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा जो है यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कि जिसमें उन्होंने जो 20,000 से 25,000 जो सीट वैकेंट हुए हैं TRE1 और TRE2 में, उसको लेकर उन्होंने डिटेल मांगा है 2 दिनों के भीतर। 6 चरण में जब वैकेंसी आया था तो उसमें बहुत सारे टीचर्स जो है वो ज्वाइन कर चुके थे। उन्होंने फिर से TRE1 और TRE2 में के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया और जो है पुनः उसके जरिए ज्वाइन किया। तो हुआ क्या कि जो नियोजन वाला जो सीट था वो वैकेंट रह गया, तो उस तरह के 20,000 से 25,000 सीट जो है वो वैकेंट है, तो उनका डिटेल मांगा जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने ज्वाइन किया था अपने पर्सनल रीजन के कारण जो है रिजाइन मार दिए, तो रिजाइन के कारण जो है वो सीट फिर से वैकेंट हो गए। और ऐसे भी बहुत सारे छात्र थे जिन्होंने 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों ही पेपर में क्वालिफाई किया था, तो उनको तो ज्वाइन एक ही जगह करना था, तो वैसे भी जो 2 सीट वैकेंट रह गए तो उनके बारे में भी डिटेल मांगा जा रहा है। तो डिटेल मांगने के पीछे मेन मकसद क्या है? तो मकसद यह है कि तैयारी एग्जाम को लेकर जो है शिक्षा विभाग जो है हरकत में आ गई है। बहुत कुछ न्यूज चैनल्स में ये चीज दिखाया जा रहा है कि उनके सूत्रों के आधार पर ये बताया जा रहा है कि TRE 3.0 मार्च में होने जा रहा है और फरवरी 15 से फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। तो अगर इस चीज को मान लिया जाए तो आपके पास समय बहुत कम बच जाए, तो आपसे निवेदन है कि आप अभी से ही तैयारी में लग जाए, क्योंकि फिर पिछली बार जो स्टेट हुआ था बिहार स्टेट, उसमें बहुत ही कम समय दिया गया था। बीपीएससी का भी जो एग्जाम हुआ था तो उसमें भी बहुत ही कम समय दिया गया था। तो अभी आपके पास मुश्किल से आपके पास लगभग 1.5 महीने के आसपास बचने जा रहा है, तो आप जो है अभी से ही तैयारी में लग जाए। आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें क्लियर मांगा गया है कि 20,000 से 25,000 जो सीट रिक्त रह गए हैं उनका जो है डिटेल आपको 2 दिन के भीतर देना है। सारे जिला में ये भेज दिया गया है। इसके अलावा जो है प्रपत्र जारी किया गया है जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक के की कितनी रिक्तियां हैं या फिर माध्यमिक शिक्षक की कितनी रिक्तियां हैं, आपको 6 to 8 कक्षा के लिए कितनी रिक्तियां हैं और 1 to 5 के लिए कितनी रिक्तियां हैं, तो उसका भी डिटेल आपको मांगा जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो आप जो है अभी से तैयारी में लग जाए और फॉर्म जैसे ही फिलअप होता है फिलअप करके आप एग्जाम बढ़िया से दें। हमारी यही शुभकामना है कि आप सफल हो। अभी सीटेट का रिजल्ट भी आने में लगभग जो है 20 दिन बाकी है, तो वैसे भी छात्रों को मौका मिलेगा जिनका सीटेट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन संभवतः अगर 15 फरवरी से फॉर्म फिलअप का डेट आ रहा है तो आपको जो है उस समय तक आपके हाथ में रिजल्ट सीटेट का हो सकता है। लेकिन आप तैयारी के लिए अभी से ही लग जाए, अभी से ही आप बढ़िया से प्रिपरेशन करें। स्टेट का एग्जाम भी आपका होने वाला है, लेकिन पहले जिन्होंने स्टेट क्वालिफाई कर लिया है तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप करें। स्टेट होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा तो वो आगे की बात है, उसका भी जो है वो उसके लिए दिल्ली दूर है, लेकिन आप अभी से ही तैयारी में लगे रहें ताकि जो है आपको एग्जाम के समय में जो है ये ज्यादा बर्डन का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब फॉर्म का या फिर एग्जाम का आ जाता है तो उस समय जो है बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। सारे जो है स्टूडेंट घबराने लगते हैं कि बहुत कम समय बचा हुआ, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो जैसी संभावना जताई जा रही है कि फरवरी मध्य में यानी कि 15 फरवरी के आसपास जो है आपका फॉर्म फिलअप का डेट आ जाएगा, इसके बाद मार्च में आपका जो है वो एग्जाम होने जा रहा है, तो आप अभी से तैयारी में लगे। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है नोटिफिकेशन जो भी आए हमारे जरिए उनको जानकारी सबसे पहले पहुंचे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।